हमारा अमल किस चीज रहा। मुरादाबाद में शादियां होती हैं और शादी ब्याह में वो खुराफात होती है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा मामूल यह है कि मैं ये सोचता हूं कि शादी ब्याह होने वाले खुराफात को मैं रोक नहीं सकता तो कम से कम इतना तो कर सकता हूं कि अपने आप को इस तरह की मरीजों से दूर कर। चुनाचे मैं किसी शादी में नहीं शामिल, हमारे भाई बड़े रहते हैं, मेहमान तौर पर नहीं जाता। वहां जो खुराफात होगी तो उनको बदल नहीं सकता तो कम से कम अपने दादा को बचाने की तो कोशिश की। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि वो किसी शहर का एक साहब मेरे पास और कहने के साथ मेरे छोटे भाई का निकाह है और फला एक बलीमा है और मेरी ख्वाहिश है कि आप उस बदले में शरीक हो। मैंने कहा भाई तुझे पता है मैं बलीमों में जाता नहीं, शादियों में नहीं शरीक हो, साथ बिल्कुल सादगी के साथ बोलो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम बलीमा कर रहे हैं और छाता कोई उसमें कलवट नहीं होगी, आप आगे और जरूर आगे और हम उससे बात करेंगे और आप खुश होंगे और ऐसा आगे उनके बहुत इसरार पर मैं पहुंच। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं जैसे ही शादी हॉल में पहुंचा तो मैंने ये अजीब और गरीब मंजर देखा कि खाने का जो सिस्टम था वो खड़े होकर के खाने बिठा करके नहीं खिलाया जा रहा है, खड़े होकर एक तरफ प्लेट रखी है, आदमी प्लेट उठाता और टेबल पर घूमता, वहां गमले रखे हैं उन्हें खाना निकालता और एक तरफ खड़े होकर खाता। मैं ये मंजर देख रहा और मुझे हैरत थी कि खाने वाले खा कैसे रहे हैं, आदमी प्लेट में मुर्गे की दाल अगर निकाल के खड़ा हुआ है तो वो परेशानी के एक हाथ से रोटी तोड़े या एक हाथ से गोटी तोड़े, अगर वो रोटी तोड़ता है तो गोटी छूटती है और गोटी तोड़ता है तो रोटी छूटती है। बहुत से लोग परेशान होकर प्लेट का खाना किस्मत में डाल करके आगे बढ़ते हैं। मैं देखता था इतनी देर में वो साहब आ गए जिन्होंने मुझे बड़े इसरार से बोला। मैंने कहा भाई तुमने मुझे दावत छोड़ी थी, तुम्हारे यहां खड़े होकर खाने के अंदर तो तुमने मुझे दावत छोड़ी, तुम तो कहते थे कि बहुत सादगी से इस्लाम की तारीफ, इस्लाम की तारीफ आपकी उनका है, इस तरह तो जानवर खाते तो देखो वो फौरन जवाब कर। मैंने कहा हाँ दूसरे बार जहां तुमको बैठ करके खिला देता हूं, मैं खाना तो दूसरी बात नहीं तुम्हारे हाथ में एक खतरा पानी लेकिन जो मैंने उससे कहा कि भाई ये इस्लामी तालीमात के ऐन खिलाफ है, सुन्नत नबविया के खिलाफ है, तुमने बिठा करके खाने का रद क्यों तो वो फौरन क्या जवाब तो सुना तो जवाब सुना रहा हूं इसलिए कि अपने ईमान को बचाओ। तो फौरन जवाब क्या देगा, कहना मौलाना साहब बिठा करके खिलाने में बड़ी परेशानी है, तो दस्तरखान साफ करो फिर लगाओ, लेके उठाओ धो करके फिर लगाओ, लंबा चौड़ा क्या बोलता है डॉक्टर लाओ रखो, यहाँ तो सब कुछ रखा हुआ है आपके फुट का। मैंने कहा तुम कलमा हो सकता है तुम्हारा ईमान सर, तुम मोमिन हो, अगर मोमिन है तो तुम्हें यह कहना चाहिए कि दिखा करके खिलाना अगर नबी की सुन्नत है तो एक नहीं एक हजार तक की यह बर्दाश्त करूंगा अगर अपने नबी की सुन्नत को गले से लगा। दूसरों का तरीका इतना अच्छा लग रहा है और नबी की सुन्नत को गले से लगा, जब तेरी ख्वाहिश से नबी की सुन्नत टकराएगी उसी वक्त तेरी मोहब्बत का इंतजार। मेरे दोस्तों आप कहेंगे कि हर मौके पर नबी की सुन्नत को मांगे, चाहे बच्चे माने या ना माने, बीवी माने या